दोस्तों स्वागत है इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में घर वापसी के लिए प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बिहार को सबसे ज्यादा ट्रेनें मिली है, बंगाल को सबसे कम मिली है। तो इन्हीं बड़ी खबरों को हम आपको बताएंगे कि ये जो ट्रेनें चली है सबसे ज़्यादा बिहारवासी कहाँ कहाँ से वापस आ रहे हैं। अगर आप भी किसी सिटी में फंसे हुए हैं तो जल्दी कीजिए, आप भी अपने घर पर आ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेनें से अपने राज्य लौटने वालों में सर्वाधिक बिहार के लोग हैं, जबकि पश्चिम बंगाल को अब तक सबसे कम ट्रेनें मिली है। रेलवे ने अब तक 67 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, हर ट्रेन में 1200 लोगों को बैठने का इंतजाम था। इस हिसाब से अब तक 67,000 से ज्यादा लोगों को उनके राज्यों तक पहुँचाया गया है। गुजरात से ही 35 और केरल से 13 ट्रेनें खुली है। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 13 ट्रेनें बिहार पहुंची है, 11 रास्ते में है और 6 पाइपलाइन में है। उत्तर प्रदेश 10 ट्रेनें पहुंची है, 5 पहुंचने वाली है और 12 पाइपलाइन में है। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, वहां की राज्य सरकार ने अब तक सिर्फ 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को आने की रजामंदी दी है। इनमें एक राजस्थान और एक केरल में फंसा हुआ है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ठाणे से शालीमार और बेंगलुरु से हावड़ा के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें इसलिए नहीं खुल सकी कि राज्य सरकारों ने अनुमति नहीं दिया। राजस्थान में सिर्फ 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन ही पहुंची है, 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन झारखंड पहुंच चुकी है, जबकि 5 अभी रास्ते में है और 2 पाइपलाइन में फंसी हुई है। 7 ट्रेनें ओडिशा पहुंची है, 5 रास्ते में है और 1 पाइपलाइन में है। वहीं आपको बता दें कि कोटा से पटना के 1150 छात्रों को लेकर पहुंची पहली ट्रेन। जी हां, आपको बता दें कि कोटा में फंसे 1150 छात्र और छात्राओं को लेकर मंगलवार को दोपहर 1 बजे स्पेशल ट्रेन दानापुर स्टेशन पहुंची। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को बेंगलुरु से 2 श्रमिक ट्रेनों से करीब 2400 मजदूर भी दानापुर पहुंचे हैं, जिन्हें उनके लिए संबंधित जिलों में बस से भेजा जा रहा है और इन्हें 21 दिनों तक का होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा। 4 राज्यों से छात्रों और श्रमिकों को लेकर दानापुर समेत राज्य के विभिन्न स्टेशनों में 10 विशेष ट्रेनें पहुंच चुकी है। इन ट्रेनों से आने वाले 12,000 छात्रों और मजदूरों को उन्हें गृह जिला तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने 400 बसों की व्यवस्था की थी। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं तो अब आप जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप जल्दी घर पे पहुंच जाएं, क्योंकि पता नहीं ये कब तक लॉकडाउन जारी रहेगा और कब तक ये देश में महामारी बरकरार रहेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली खबरों से आप हमेशा अपडेट